हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये जो आपके सामने देख रहे हैं, दिस इज़ द ग्रीव्स एम्पियर NXG। ये एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो अगले साल लॉन्च होगा। अब एम्पियर के जो स्कूटर्स आपने पहले देखे हैं वो काफ़ी प्लेन जेन डिज़ाइन के थे, वो बेसिकली इंडिया के लिए अडेप्टेड थे, लेकिन ये जो स्कूटर है ये ग्राउंड अप इंडिया में बना है, इंडिजीनियसली इसे ग्रीव्स ने ही डिज़ाइन किया है। और एम्पियर जो है ये ग्रीव्स का ही ब्रांड है, आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए स्टाइलिश LEDs हैं इसके विद द एम्पियर ब्रांडिंग, सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी यूनिक। और यहाँ पे नीचे आप देखिए 12 इंच का व्हील आपको मिलता है। दिस स्कूटर लुक्स क्वाइट स्टाइलिश, मतलब ये स्पोर्टी भी है, सटल भी है, ओवर डन डिज़ाइन नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा। इसका टेल लैम्प भी देखिए काफ़ी स्टाइलिश वे में बनाई गई है। आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस टेल लैम्प, ये काफ़ी अच्छी है। अब ये कॉन्सेप्ट है, एक और नज़र डाल देते हैं इसके IP पे। इसकी जो IP है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपका अवतार भी आ जाता है, यहाँ से आप इसके इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके यू नो ऑडियो को। एंड यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन है, रेंज इंडिकेशन है, ये सारा कुछ इसमें दिख जाता है। पार्किंग असिस्ट वगैरह भी मिल जाता है, रिवर्स गियर वगैरह सब मिल जाता है आपको। यहाँ पर जो बटन्स हैं इसके, ये काफ़ी फ्लश्ड तरीके से बनाए गए हैं, सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे भी आप देखिए कीलेस एंट्री आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी स्टाइलिश है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, जबकि ये प्रोटोटाइप ही है, लेकिन दिस लुक्स क्वाइट गुड। और क्योंकि ये इंडिजीनियस बनेगी तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। अब इसके जो स्पेक्स हैं वो ज़्यादा रिवील नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी ये यू नो कॉन्सेप्ट स्टेज में ही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि अराउंड 120 किलोमीटर्स के प्लस का रेंज टारगेट कर रही है कंपनी, और जो टॉप स्पीड है अराउंड 80 किलोमीटर्स तक का टारगेट कर रही है। अब इसकी प्राइस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव ही होगी, अराउंड 1 लाख या 1,20,000 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है, लेकिन ये लॉन्च होगी 2024 में। तो आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है, अगर ये स्कूटर लॉन्च होती है तो आप क्या इसे खरीदना चाहेंगे और क्या प्राइस इसकी होनी चाहिए। वैसे इसका जो मोटर है ये मिड माउंटेड है, वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मिड माउंटेड मोटर है इसका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेल्ट ड्राइव है, ये बेल्ट ड्रिवन है और इसको फुल कवर भी मिलता है, ये बिल्कुल सील्ड है। बेल्ट ड्राइव होने का फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा लोड ले सकती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, फास्ट हाई स्पीड स्कूटर होगी ये, अराउंड 80-85 किलोमीटर्स की स्पीड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, एंड ज़्यादा सस्टेनेबल भी है, लाइफ भी इसकी बेटर होगी। ये और लुक, एक और लुक ले लीजिए साइड से, और इसके राइडर ट्रायंगल को अगर आप देखें तो यहाँ से भी पता लगता है कि जो राइडिंग पोजीशन होगी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल होगी, फ्लैट फुटबोर्ड है इसका और ये बहुत ऊँचा भी नहीं लग रहा है, तो आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी राइडिंग के लिए। सीट भी इसकी काफ़ी लंबी है, बड़ी है, राइडर पिलियन के लिए यहाँ पे जगह बहुत सारी है, और ये ग्रैब हैंडल भी इसका काफ़ी बड़ा सा है। सो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में मुझे लग रहा है कि बहुत ही वेल डिज़ाइन स्कूटर है ये। अब जब ये लॉन्च होगी इसे राइड करके ही पता चलेगा कि चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, लेकिन अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट ही है जो कंपनी ने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो आप हमें कमेंट से बताइए दोस्तों कि कैसी लग रही है आपको ये एम्पियर की NXG। ये रही NXG, और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं अगर कंपनी से लॉन्च करती है तो। वैसे मुझे इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है, आई प्लीजिंग डिज़ाइन है, गॉडी नहीं लग रही है, ओवरडन नहीं लग रही है, काफ़ी वेल बैलेंस्ड एंड प्रोपोर्शनेट लग रही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑटो एक्सपो की और जानकारी के लिए और भी वीडियोज़ आ रहे हैं, कीप वॉचिंग।